हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। TSSP बोर्ड की तरफ से जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें निकली हुई थी और इसमें जो आगे जो कॉरिजेंडम भी आज जो जारी किया गया था इसके रिगार्डिंग ही, और इसका जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वो अभी अभी जारी कर दिया गया है, जो कुछ ही मिनट पहले उन्होंने अपलोड किया है, तो हम आपको सारा पूरा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, और एक बात स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग फर्दर फ्यूचर में आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होगा आपका MCQ बेस्ड रहेगा और OMR शीट पे जो आंसर आपको मार्क करने होंगे। नेक्स्ट जो होगा आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 1/4 पार्ट अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हैं या मार्क करते हैं तो वो गलत माना जाएगा, वो उसका कट होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर आप कोई ऐसी खाली छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो उसका कोई भी आंसर ना आएगा ना कम होगा। नेक्स्ट जो आता है आपका जो एग्ज़ाम होगा, टेस्ट ड्यूरेशन 2 घंटे की जो पैटर्न रहेगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम का। सबसे पहले देखिए, जो आपका है क्वेश्चन जो आपके आएंगे पार्ट ए के सिलेबस में, वो 90 मार्क्स के नेक्स्ट देखिए, जो आपका आएगा जो आपका GK इंग्लिश पंजाबी लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड जो पार्ट बी है, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन टोटल 120 मार्क्स के, तो जो आपका सारा रहेगा मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन जो बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद जो फर्दर आता है आपका, जो कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट एनी 4 सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट्स कैन अटैम्प्ट जो कैन ऑप्ट एनी 4 सब्जेक्ट्स एज पर हिज अर सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इन्होंने ऐसे लिखा है, कैंडिडेट्स कैन अटैम्प्ट ऑप्ट एनी ऑफ द 4, एनी रह गया तो एनी ऑफ द 4। नेक्स्ट देखिए, जो आपका फर्दर आता है टेंटेटिव जो इसका एग्जाम का सिलेबस है, तो एनेक्सर ए और बी में है। तो सबसे पहले जो एनेक्सर ए जो आपका एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, तो इसमें देखिए सबसे पहले एनेक्सर 1 में जो पार्ट ए है वो आपका आ गया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम थ्योरी, इक्विलिब्रियम, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, जो आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, उसके बाद कनेटिक्स, उसके बाद कोलॉइड्स एंड सरफेसेस। तो आज ये जो है आपका जो फर्दर सरफेस जो आपका डिविडेशन की गई है, जो आपकी कंटेंट वाइज और टॉपिक वाइज है, जो आपने अच्छे से पूरे डिटेल में करने हैं, और ये टोटल अराउंड 15 पेजेस का है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम के RS लर्नर्स पे अभी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो अपलोड किया हुआ मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स और जो आपका ऑर्गेनिक और एक मिनट हाँ जी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड्स, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स एंड ऑफ एनालिसिस, और क्या आ गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पैरासाइक्लिक रिएक्शंस, फोटो केमिस्ट्री, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्दर जो आपका अलग नेक्स्ट आएगा आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड कैलकुलस, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैकेनिक्स, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप्स, लीनियर अलजेब्रा, जो आपका फर्दर है आपका यहाँ पे कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये है आपका जो सारा वो है आपका जो टॉपिक वाइज पूरी डिविडेशन की गई है, जो आपने पूरा डिटेल में करना है। उसके बाद आता है आपका स्पेशल फंक्शंस, 12th बाद है इंटीग्रल, इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म्स, नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल इक्वेशंस, मैट्रिक्स स्पेसियल टॉपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर्स, उसके बाद आ गया मैकेनिक्स, उसके बाद आ गया न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके बाद आ गया आपके पास ऑपरेशंस रिसर्च। नेक्स्ट जो आता है आपका 20th पे मैथमेटिकल स्टैटिक्स। फर्दर जो आता है आपका 3rd जो जियोलॉजी, फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, टेक्टोनिक्स, रिमोट सेंसिंग। तो ये फर्दर है सारा आपका जो पूरा डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है जो आपके पास मिनरोलॉजी, जियो केमिस्ट्री, पेट्रोलॉजी। तो इसके बाद फर्दर जो आता है आपके पास पेट्रोलॉजी जो भी है, तो उसके बाद फर्दर जो आता है आपके पास ये सारा उसकी जो डिविडेशन की गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रैटियोग्राफी, पैलेंटोलॉजी। तो ये है सारा आपका जो फर्दर आगे डिविडेशन की गई है, और इसमें जो आता है आपके पास मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद जो आता है आपके पास हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। उसके बाद आता है आपके पास इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे जो जो सारे आपके हैं फर्दर पूरा जो डिविडेशन की गई है, जो आपका पार्ट वाइज और जो सब्जेक्ट वाइज जो जो आपने मेनली करने हैं टॉपिक वाइज, ये जहाँ तक है आपका 4 का, और जो आपका पार्ट बी है उसमें क्या है आपका जो GK CA कह सकते हैं हम, नेशनल इंटरनेशनल जो आएगी आपकी
पॉलिटिकल इशूज से जैसे न्यूमैन लिटरेचर 10 नंबर, उसके बाद रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वर्बल नॉन वर्बल और जो बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स 10 नंबर, उसके बाद इंग्लिश जो आपका बेसिक जो आपका सारा के टॉपिक्स दिए गए हैं, और उसके बाद जैसे बेसिक ग्रामर के आगे सारे, तो इसमें क्या आ गया 5 नंबर, पंजाबी जो आपकी आ गई 5 नंबर, इसके टॉपिक्स नेक्स्ट पेज में होंगे आपको मिलेंगे, एक मिनट, हाँ जी ये रहे सारे। और इसके बाद जो आपका टोटल जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का, और ये जो भी सिलेक्शन इस सेक्शन जो भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो हो सकती है मे वेरी स्लाइटली, और जो ब्रॉडकास्टली क्लासिफाइड जो सिलेबस है मे वेरी टू सम एक्सटेंट। तो ये था हमारा जो पूरा जो एक मिनट हाँ जी, तो ये था हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न प्लस जो आपका जो आगे सिलेबस और सारा पूरा जो हमने अभी आपको डिटेल में बताया। और अगर जो आपको फिर से कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते फर्दर फ्यूचर में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका जो टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे अगर यही आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, अगर वैसे ओपन ना हो तो आप डायरेक्टली भी सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।